दोस्तों नमस्कार मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधी बात सीधे सवालों के साथ दो दिन पहले सरकार ने एक आदेश दिया और सरकार ने चाइनीज़ जो एप्स है उन 59 नाइन ऐप्स को टोटली बैन कर दिया और इस बैन करते समय उन्होंने आदेश में जो आदेश दिया उसमें लिखा है उन्होंने इन वोकिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन सिक्सटी नाइन ए ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रीड विद प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाई पब्लिक रूल टू थाउजेंड नाइन एंड इन व्यू ऑफ इमिग्रंट नेचर ऑफ थ्रेड हैज डिसडेड टू ब्लॉक फिफ्टी नाइन एप्स सी अपरकार ने 59 नाइन ऐप्स पे बैन लगा दिए इसके आगे और सरकार के आदेश में यह लिखा हुआ है अपॉन रिव्यूइंग द रीसेंट ट्रेडिबल इनपुट दैट सच एप्स पोज थ्रेड टू शोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिसअलो द यूज ऑफ सर्टन ऐप्स यूज इन बोथ मोबाइल एंड नॉन मोबाइल इंटरनेट इनेबल डिवाइस तो सरकार का यह आदेश आप जो आया है यह आदेश बता रहा है कि उनको कहीं से इनपुट मिले हैं कि इन ऐप से जो डेटा जा रहा है दूसरे देशों में वो इंडियन सॉर्निटी के लिए खतरा है ऐसा उनका कहना है इसी के साथ और एक जो दूसरा टिकटॉक ने अपना ऑफिशियल स्टैंड लेते हुए यह कहा कि हमारी भारत सरकार से बात चल रही है इसीलिए हमने अभी जितना भी टिकट टिकटॉक के वन वन हंड्रेड मिलियन यूज़र है इनके अकाउंट्स को होल्ड पे रखा है मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया उस प्रोसीजर को और टिकटॉक ने अपना ऐप बाकी आप अभी भी चल रहे हैं देखिए गवर्नमेंट ने बैन किया इसका मतलब पहला मतलब क्या हुआ कि जितने भी ऐप इंस्टॉल है वो चलेंगे जितने भी ऐप इंस्टॉल है वो चलेंगे मतलब 110 मिलियन टिकटॉक यूजर है उनको अभी भी एक्सेस होगा लेकिन टिकटॉक का एक्सेस क्यों बंद हुआ है टिकटॉक ने ऑफिशियल पोजीशन ली है टिकटॉक ने यह ऑफिशियल पोजीशन ली है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कह रही है उसको टेबल पे रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस करेंगे उस पर सॉर्ट आउट उस इशू को सॉर्ट आउट करेंगे और बाद में और जितने भी यूजर्स हैं उनको एक्सेस देंगे टिकटॉक क्यों नहीं चल रहा है जिन्होंने इंस्टॉल किया है उनके इसमें क्योंकि टिकटॉक ने खुद स्टैंड लिया है बाकी एप्स अभी भी चल रहे हैं इसका सीधा मतलब यह है कि जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप है जितने भी मिलियंस लोगों ने लाइक like लाइकी है इट है उसके उसमें यूसी ब्राउज़र है जो टॉप यूज यूजिंग ब्राउज़र्स है उसमें यूसी ब्राउज़र मोबाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये इनकी सर्विस अभी भी शुरू है नया आप इंस्टॉल नहीं कर सकते और इन इन निर्णय के बाद और एक बहस पूरे सोशल मीडिया में चल पड़ी कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज इनकर्शन के बाद उनको जवाब दिया तो मेरे कुछ सवाल हैं इन इस टॉपिक पर उसको हम मैं सामने रखना चाहता हूँ पहला एक क्या हम चाइनीज ऐप डाउन डिलीट करके या फिर चाइनीज के ऐप्स uh, को बैन करके 20 सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे क्या यही हमारी देशभक्ति है कोई देश का कोई देश का सैनिक जान गंवा रहा है इंडियन सॉर्निटी के लिए संप्रभुता के लिए और उस समय आप सोशल मीडिया पे यह कह के बात कर रहे हैं कि हमने बदला लिया किस चीज़ का बदला लिया आपने क्या मरे हुए शहीदों के घर में आपने जाके देखा कि उनके यहाँ की क्या पोजीशन है क्या आपके एक ऐप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने से किसी के जान का बदला लिया जा सकता है क्या ये सवाल नहीं बनता है एक सरकार सवाल सरकार से बनता है सरकार आज कह रही है कि ये सारे ऐप्स जो जो जितने एप्स उन्होंने बैन की वो इंडियन सोनिटी के लिए खतरा है बराबर तो पहला एक सवाल जितने लोगों का डेटा ऑलरेडी उनके पास है मिलियंस लोगों का क्या वो वो डेटा उनके पास उनके सर्वर पर सेव होना यह खतरा नहीं है क्या उसको टाला जा सकता है क्या इसके इनपुट इंडियन एजेंसी के पास है क्या यह सवाल नहीं बनता है और इसी के साथ और एक जुड़ा हुआ यह सवाल है कि सिर्फ इस फिफ्टी इन फिफ्टी नाइन ऐप से ही हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा बाइजू जो एजुकेशन की सबसे टॉप ऐप है इंडियन ऐप उसमें पूरे नाइनटी एटी नाइन परसेंट जो स्टेक है वो चाइनीज कंपनी के है इवन उनका सर्वर भी चाइना में है बाइजू का सर्वर चाइना में है मतलब हमारी जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है उन सारे नए बच्चों का टोटली मिलियंस यूजर का डेटा ऑलरेडी चाइनीज हैक कर चुके हैं अगर आप यह कह रहे हैं तो अगर आपका आदेश यह कह रहा है कि हम हम आपने चाइनीज ऐप आप इंस्टॉल करने से भारत के संप्रभुता के लिए खतरा है तो वह खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है क्या यह सवाल सरकार से नहीं पूछना चाहिए क्या सवाल नहीं बनता है इसी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में सरकार ने जो आदेश दिया उसी के साथ एक और खबर आई भारत में मेडिसिन के लिए जो कच्चे प्रोडक्ट्स लगते हैं वह चाइना से बहुत बहुत मात्रा में चाइना से आते हैं इंडियन पैरासिप्टोल जो आप जनरल पीपल यूज करते हैं उसका 90 परसेंट पूरा का पूरा जो मटेरियल है वह चाइना से आता है यही खबर एक कल की इकोनॉमिक टाइम्स की खबर यह बता रही है कि अगले दो महीने में इंडियन जो फार्मेसी मार्केट है वो भी हिट करेगा और पूरा वर्ल्ड का भी फार्मेसी मार्केट हिट करेगा क्योंकि चाइना से आने वाली चीजें आपने आने नहीं दी इसका मतलब यह हुआ कि हमने तैयारी की हमने तैयारी की किसी चीज़, एक चीज की और हम जंग दूसरे चीज पर छेड़ रहे हैं जबकि हमारा हमारे इसमें इनकर्जन अगर हुआ है गलवान वैली में तो वहां पे आपको जवाब देना है तो उसका एक तरीका होगा लेकिन आपने हाँ वह तरीका छोड़ दिया और तीसरे ही मसलों पर बात करने लगे इसके इसी बीच में समानांतर एक बहस और छिड़ गई कि जिन ऐप में पैसा चाइनीज का है वो वो ऐप चाइनीज कैसे हुई भाई अगर मैं कपड़े मेरे पहन रहा हूं तभी मैं ये कपड़े मेरे हुए ना अगर मैं शर्ट किसी और की पहन रहा हूं पैंट किसी दूसरे की पहन रहा हूं घड़ी तीसरे की पहनी है तो क्या यह मेरी मालमत्ता है नहीं यह मेरी नहीं मेरा चश्मा सिर्फ मैंने मेरा चश्मा मेरे पैसों से लिया और बाकी चीजें मैंने लोगों से उधार ली या फिर लोगों ने मुझे दान की तो क्या ये ये मेरी चीजें हो गई नहीं ये दान की चीज है मुझे कभी वापस भी करना हो सर हमारी इंडियन जितनी भी एप्स है जिसमें चाइनीज का पैसा है वो वैसा ही है पेटीएम के बारे में कल बहस चल रही थी सोशल मीडिया पे पेटीएम विजय विजय ने इंडियन जो टेकी है उसने इन्वेंट किया लेकिन उसका पूरा का पूरा 90% परसेंट एटी एटी टू परसेंट शेयर जो है वो चाइनीज है मतलब वो ओनर है उसके तो हम किस लेवल तक जाके चाइना से कॉन्फ्रेंट कर सकते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप चाइनीज ऐप मत बैन कीजिए आप हर चीज बैन कीजिए लेकिन उससे पहले आप तैयारी कीजिए क्या आपने यह सोचा कि आपने ऐप्स बैन करने के बाद इंडियन कितने टेकीज की जॉब चली जाएगी कितने एम्प्लॉज जो टिकटॉक के ऑफिस में या फिर इतने जितने एप्स है उनके इंडियन ऑफिस में काम करते हैं उनकी जॉब चली जाएगी उसके लिए कोई आपने नया आदेश लाया है क्या आपने नई व्यवस्था की है कि वहां से उनका जॉब चाहते उनको कोई और दूसरा सहारा देने वाले हैं क्या यह सवाल नहीं बनता है यह जो भक्तगणों का जो एक जमावड़ा तैयार हुआ है जो ट्रोलिंग कर रहे हैं हमें गालियां दे रहे हैं देश, देशद्रोही कह रहे हैं इन लोगों को यह समझना होगा कि देश हित क्या होता है इन लोगों को यह समझना होगा कि आर्थिक निर्णय लेने से हमारे भारतीय लोगों पर ही सबसे ज्यादा उसकी गाज गिरेगी टिकटॉक से कमाने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका क्या होगा क्या क्या आपने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि इस बैन के वजह से जितने लोगों की जॉब्स जाएगी जिनके लोगों का इनकम हिट होगा उनके लिए कोई व्यवस्था की है आपने पहले प्लेटफॉर्म खड़े कीजिए बाद में जो चीजें बैन करना है वो बैन कीजिए और सरकार आज कह रही है कि ये हमारे संप्रभुता के लिए खतरा है तो आप इंस्टा जब आपने आपने परमिशन दी तब क्यों नहीं चेक किया क्या यह सवाल नहीं बनता है जो नई कंपनी आई है वो अभी पिछले पांच सालों में आई है तो ऐसा तो नहीं कि पिछले सरकार ने परमिशन दी थी और ये सरकार उसको बंद कर रही है आपके ही सरकार ने उसको परमिशन दी थी और आपके ही सरकार उसको बैन कर रही है तो जब आपने परमिशन दी तो उसी समय पूरा चेकिंग क्यों नहीं किया क्या यह सवाल नहीं बनता है इसी के साथ और एक सवाल जब किसी भी इंकर्जन के प्रोसेस में हम इकोनॉमिक इंकर्जन की बात कर रहे हैं अगर न्यूज चैनल का आप पूरा डिबेट या फिर तंत्र देखिए पिछले दो दिन का तो वहां चल रहा है कि हमने एयर स्ट्राइक कर दिया है चाइना पे तो एक और एक सवाल है नितिन गडकरी को ही पढ़ लीजिए दो दिन पहले नितिन गडकरी ने निर्मला सीतारामन जो देश की अर्थ मंत्री है उनको क्या लिखा गडकरी ने सीधे सीधे लिखा निर्मला सीतारामन को कि आप जो फाइबर ब्रांड्स जो रेल के लिए यूज हो रहा है जो बी के लिए यूज हो रहा है जो एमटीएनएल के लिए यूज हो रहा है उस पर आपने जो बैन लगाया है वो तत्काल प्रभाव से हटाइए क्योंकि भारत की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इससे हिट होने वाली है अब यह बताइए उसी सरकार के एक मंत्री दूसरे मंत्री को यह लिख रहे हैं कि हम एक निर्णय की वजह से बहुत डीप में जाएंगे तो क्या सरकार को उस पर विचार करने की जरूरत है कि नहीं है और भक्त कब समझेंगे कि हर चीज मोदी जी के मोदी जी का उत्सव मनाने के लिए नहीं होती है देश का देश को एक एक तराजू में नहीं रखा जा सकता है एक आदमी के लिए हर चीज गलत हो रही है और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो तब आप लोग सुधरेंगे ये भी सवाल इसी के साथ एक आगे रखने की जरूरत है और आप ऐप्स बैन करते समय या फिर और किसी चीज को बैन करते समय जो प्रोसेस चल रहा है चाइना ने इस पर जवाब देते हुए यह कहा कि इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेस के जो नियम है उसको पालन करना होगा इसका मतलब अभी जो बैन किया है यह इशू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने केस के तौर पे जाएगा वहां वो केस रजिस्टर होगा उस पर बहस चिड़ेगी तो हम यहां अभी सेलिब्रेट करने के मूड में मत आइए क्योंकि बहुत सारी जंग अभी बाकी है आज के लिए इतना ही कल फिर और मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट